नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो का साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे आप अपने आईफोन पर जो है गूगल अकाउंट से अपने कांटेक्ट को किस तरह से जो है रिकवर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ हाउ टू रिकवर योर कांटेक्ट फ्रॉम गूगल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ अपने साइड स्क्रीन पर, और साइड स्क्रीन पर आप देख लेना, मैं आपको फुल प्रोसेस जो है आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कांटेक्ट में क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कांटेक्ट निकाल के रखा है। देखिए, ओनली यहाँ पर जो है 3 कांटेक्ट ही है मेरे पास, ओनली 3 कांटेक्ट जो है अभी अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर जो है जो भी मेरा गूगल अकाउंट है उससे जो है मैं यहाँ पर पूरा रिकवर करके दिखाऊंगा आपको। उसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको अपना फोन का जो सेटिंग है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और नीचे पर आपको यहाँ पर मिल जाता है अपने कांटेक्ट का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कांटेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कांटेक्ट। तो आपको कांटेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है अकाउंट्स। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको अकाउंट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर गूगल को आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप गूगल अकाउंट से रिकवर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर गूगल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर गूगल सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर है। तो जिस भी ईमेल आईडी पर आपका कांटेक्ट जो है बैकअप लगा हुआ है, वहां पर आपका कांटेक्ट जो है सेव है, आप उस वहां से रिकवर करना चाहते हो, जिस भी ईमेल आईडी से रिकवर करना चाहते हो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका पहले से नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, उतना ही है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है करना क्या है, देखिए यहाँ पर नीचे में अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। एक बार देख लो। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर अलाउ करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपका पास आएगा। तो यहाँ पर आपको जो है श्योर होना चाहिए कि भाई आपका कांटेक्ट जो है यहाँ पर ऑन रहे। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए ऑफ करके ऑन करता हूँ, ये देखिए। ओके, तो इसको आपको ऑन करके रखना है। बाकी इसका बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा ऊपर में राइट साइड का कॉर्नर पर, तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहां पर सेव पर क्लिक करोगे तो यहां पर जो है मेरा कांटेक्ट जो है वो सेव हो चुका है। अभी आपको करना क्या है, आपको अपना कांटेक्ट पर जाना है, उसका बाद आपको यहां पर चेक करना है। तो देखिए यहां पर जो है 3 कांटेक्ट था, यहां पर अभी पूरा जो है मेरा कांटेक्ट जो है आ चुका है। देखिए जितना भी है सब कुछ यहां पर आ चुका है, बहुत आसान तरीके से एक ही बार में। तो अगर आप भी चाहते हो कि भाई अपना गूगल अकाउंट से अपने आईफोन पर अगर आपका कांटेक्ट जो है रिकवर करना चाहते हो तो ये प्रोसेस आपको करना है, तो आपका जरूर से जो है इस तरह से जो है आ जाएगा पूरा का पूरा कांटेक्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको आगे वहां से मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो मैं जरूर उसमें आपको सहायता जरूर करूंगा। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।